इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके स्क्रीन पर अभी जो इमेज दिख रहा है, आपने पिछले कुछ दिनों में ये इमेज कहीं ना कहीं देखा होगा या ये वीडियो कहीं ना कहीं देखा होगा, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि 1 जून से लेकर के पूरे जून महीने तक फिर से गर्मी की छुट्टी। असल में मामला ये है कि 2023 की वीडियो को कुछ लोग एडिट करके उसमें हेर फेर करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं, ग्रुप्स में डाल रहे हैं, यूट्यूब में डाल रहे हैं, जिससे लोगों में ये कन्फ्यूज़न पैदा हो रहा है। अब होगा कुछ बेनिफिट ये काम करने का, पर इसकी सच्चाई ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको दोबारा छुट्टी मिलने जा रही है। जो गर्मी की छुट्टी 15 मई को ख़त्म हो रही है उसको आप ख़त्म मान के चलिए, ये 2023 का डेट है। 1 से लेकर के जो आखिरी जून तक था वो 2023 में वैसे हुआ था। इस बार तो पहले ही ये कह दिया गया था कि इलेक्शन को देखते हुए इस तरह से गर्मी की छुट्टी को रीशेड्यूल किया गया है ताकि इलेक्शन इसी के बीच में हो जाए, तो 15 मई ही लास्ट है, उसके बाद रेगुलर तरीके से क्लास चलेगी। कुछ लोगों की शरारत है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बिहार में शिक्षकों से या शिक्षक बहाली से संबंधित सही खबरें और काम की खबरों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके स्क्रीन पर अभी जो इमेज दिख रहा है, आपने पिछले कुछ दिनों में